एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है और अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां एक ही मोहल्ले में रहने वाला लड़का बॉबी और लड़की लुबना के बीच में मोहब्बत हो गई। इन दोनों के बीच में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि 20 मई की दोपहर में इन दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और मंदिर में पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी कर लिया और लुबना अपना धर्म परिवर्तन करके लुबना से आरोही बन गई। इस दौरान दोनों ने अपनी जान को खतरा भी बताया और वीडियो जारी करके ये भी कहा कि उनके परिवार के लोग उन दोनों की जिंदगी में अब दखल ना दें। मेरा नाम लुबना शहजिन था और अब मेरा नाम आरोही है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, बॉबी से मैं बहुत खुश हूँ और मैं बालिग हूँ। मेरा आधार कार्ड ये है और मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट ये है और इनके साथ में बहुत खुश हूँ मैं। इनके साथ में बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी इनके साथ में बिताना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में दखल ना दे प्लीज़। आसिफ चाचा, आप भाजपा के नेता हैं, आपने हम दोनों को जान से मारने की कोशिश की है। मैंने क्या गुनाह किया है? कितनी हिंदू लड़की मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। तो अगर मैंने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली है तो आप लोग चाचा आरिफ और शीनू शीबू परवेश जीजू और ताहिर जीजू बचोगे आप लोग भी नहीं, योगी बाबा की सरकार। वहीं लुबना उर्फ आरोही ने ये भी बताया कि इस्लाम में उन्हें बुरखा, हिजाब और 3 तलाक पसंद नहीं है, इसलिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। मुझे मुस्लिम धर्म बिल्कुल पसंद नहीं था और जब मैं गुरु जी के पास आई हूँ मैंने अपना बुरखा और ढाटा उतारे थे और वहाँ पे 3 तलाकें होती हैं और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने जान को परिवार से खतरा बताते हुए दोनों प्रेमी जोड़े ने पुलिस प्रशासन से मदद भी मांगी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपनी स्वेच्छा से एक शादी कर ली है और वो दूसरे जनपद में है और वो उससे सुरक्षा की मांग की है। पुलिस के द्वारा इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ इसमें जो लड़की घर वाले हैं उनके द्वारा थाना कोतवाली पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और इसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसमें कराई जाएगी और जो बयान कराए जाएंगे इसमें साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी और सुरक्षा की जो जहाँ तक बात है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी।